कतर में जो तोप है वो किस तरह से होता है, तो आप लोग देख सकते हैं जो कुर्ता होता है ना भाई, उस हिसाब से यहाँ पर तोप होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये कॉलर हो गया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको दोस्त सप्ताह में फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी कतर का 9 बज रहा है और रात का समय है, और अभी मैं इस वक्त कंपनी में हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि भाई तोप दिखाओ कैसा होता है कतर का और सऊदी का, तो सऊदी का तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि सऊदी का तोप कतर में बहुत कम बनता है, और कतरी तोप और कुवैती तोप एक ही है, और जो कतर में पहनते हैं वही कुवैत में पहनते हैं। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं इस साइड में यहाँ पर लगा है हैंगर में, और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक जाकर के, और आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि भाई कतर में जो तोप है वो किस तरह से होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो कुर्ता होता है ना भाई, उस हिसाब से यहाँ पर तोप होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये कॉलर हो गया, और इसके बाद ये पॉकेट हो गया, और उसके बाद ये प्लेट हो गया जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पेस्टिंग हो गया। और जो कमीज होता है ना अपने इंडिया में या नेपाल में या बांग्लादेश में बनता है जो कमीज बूढ़े लोग का, उस तरह से ये है, और उसी हिसाब से ये तोप यहाँ पर बनता है। और इसको कतरी तोप बोलते हैं कि जो कतर में लोग पहनते हैं, और यही तो कुवैत में भी लोग पहनते हैं। और एक आता है कि जैसे अभी यहाँ प्लेट है तो इसमें प्लेट नहीं रहता है, वो भी बनता है, और इस सेम ऐसे ही सऊदी का ही तो बनता है, बस उसमें एक चीज़ रहता है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो है यहाँ से कली रहता है दोनों साइड में आगे पीछे, तो कली वाला बनता है, वो सऊदी का तोप रहता है और वो सऊदी में पहनते हैं। और अभी मैं आप लोग को सोचा कि यार दिखा दूं, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई आपके कंपनी में कौन सा काम होता है, जेंट्स काम होता है या लेडीज़ काम होता है। तो भाई ये कंपनी में तोप बनता है, और ये जेंट्स का कंपनी है और ये जेंट्स लोग पहनते हैं। और अभी यहाँ पर कुछ हल्टर आया है तो ये भाई साहब इसको बनाने के लिए लगे हुए हैं। और क्या करना है, कॉलर चेंज करना है क्या? तो भाई मोबाइल पॉकेट लगाना है, तो जो साइड पॉकेट होता है उसके अंदर एक पॉकेट जो लगता है 5 साढ़े 5 इंच का, वो मोबाइल पॉकेट होता है। तो भाई लगाने के लिए ये अल्टर आ गया है और इसको लगा रहे हैं, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको खोलना नहीं पड़ेगा, अंदर अंदर से लग जाता है। नहीं लगा है बाद में अगर लगवा रहा है कस्टमर तो कोई बात नहीं, लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि अल्टर नहीं आता है, बनने के बाद भी अल्टर आता है, तो उसको बनाना पड़ता है। और यहाँ ज़्यादातर ये नहीं कि चलो एक हिसाब से आपका काम अगर कर दिए तो आपका चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कस्टमर बोलेगा जैसा उसको चाहिए वैसा बना के देना पड़ता है, 19-20 का फर्क नहीं है। अगर वो 2 मरतबा 3 मरतबा अगर लाकर बनवाता है, उसको पसंद नहीं है तो बनाना पड़ता है, और बना के यहाँ के लोग देते हैं, क्योंकि भाई उस हिसाब से यहाँ पर पैसा भी लगता है और पैसा भी लोग लेते हैं, तो इस तरह से उसके हिसाब से बना के देना पड़ता है। और अभी हम लोग जाने की तैयारी में हैं रोज़ की तरह। और आज मैं बता दूं कि हम लोग कंपनी में सुबह सुबह आया था जब, तो उतना आइडिया नहीं था कि आज उतना काम होगा, लेकिन काम थोड़ा कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 तोप सबका बना है, और 4-4 तोप जो टारगेट है वो टारगेट हम लोगों ने बना के दिया। और ये वीडियो आप देख रहे हैं जुमेरात के रात में मैं बना रहा हूँ, और कल जुमा है तो कल तो छुट्टी रहेगा, और उसके बाद फिर शनिवार को आएंगे तो क्या काम रहता है क्या नहीं रहता है फिर देखेंगे। और सैलरी पे रहने का मतलब ये होता है कि काम रहे तो अच्छा है, नहीं काम रहेगा तो कंपनी को घाटा होगा, तो इस हिसाब से काम रहे तो बढ़िया है, और काम रहता है तो टाइम पास भी हो जाता है आराम से, काम करते करते मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन अगर काम नहीं रहता है तो फिर बैठ बैठ के दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है, तो इस हिसाब से हम लोग सोचते हैं भाई काम रहेगा तो अच्छा है। और काफ़ी कंपनी में ऐसा होता है कि जैसे सैलरी पे लोग यहाँ पर हैं और काम कर रहे हैं उन, और उस कंपनी में काम नहीं है तो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा है काम नहीं है और आराम से बैठे रहते हैं। तो मैं बता दूं कि आराम से बैठने का मतलब तो ठीक है, आप लोग आराम से बैठे रहोगे, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखो कि आप सोचते हो कि काम ना करना पड़े और काम सैलरी पर रहेंगे तो काम नहीं रहेगा तो अच्छा है, तो ये बात जान लो, अगर कंपनी में काम नहीं रहेगा तो आपको कभी भी भेज सकता है, तो ये बात नहीं सोचो। और दुआ करो कि काम ज़्यादा रहे आपके दुकान पे, आप सैलरी पे हो या पीस रेट पे हो, तो काम रहेगा तो आपके लिए भी अच्छा है और
आपके कंपनी को लिए भी अच्छा है। हम लोग का भी ऐसा ही है, हम लोग भी यहाँ पर काम करते हैं। जिस दिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन हम लोग भी बैठ जाते हैं, काम नहीं रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसी हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि भाई रोज़ काम रहे। और आज पूरा दिन हम लोगों ने चार्जर तो बनाया और अभी टाइम हो गया है जाने का। और मैं अभी इस वक्त कंपनी में हूँ, दोहा कतर में रहता हूँ और सिलाई करता हूँ, आप लोग तो जानते ही हो। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, किसी कंपनी के बारे में आपको पूछना है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।